सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर, तुहाडा सब तो स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री च, जिस च अज मैं बना रही हूँ प्याज का क्रिस्पी पराठा। प्याज का क्रिस्पी पराठा किवें बनावांगे उहदे वास्ते साडी वीडियो वॉच करो। आटा लै रही हूँ, चार प्याज लै रही हूँ, चार हरी मिर्च है, धनिया है। हुण आटा लवांगे छान, कणक का आटा है, इहनूं मैं छान लाँगी। आटा छानने तो बाद आप एक कौली बेसन पा देंगे। बेसन भी चंगी तरह छान लेंगे। बेसन ते आटे नूं आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आटा ते बेसन मिक्स करने तो बाद आप एक चम्मच जिहड़ा नमक पावांगे। नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग वध या घट कर सकते हो, अनारदाना पावांगे, सुखा धनिया पावांगे, लाल मिर्च, आमचूर। हुण धनिया नूं कट लांगे। धनिया जिहड़ा प्याज़ दे पराठे विच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इस करके जिहड़ा धनिया मैं कट रही हूँ। हुण इन्हां सारिआं नूं मसाले नूं सुक्कियां नूं जिहड़ा मिक्स कर लिया आटे विच। जो पापा बुढ़ा जी जाते ना उदों भी इस तरह के जिहड़े मिसे पराठे बनाए जाते ने। हुण जिहड़े प्याज ते हरी मिर्च है इन्हां नूं मैं चॉप कर लिया। तो जो आप उ बाबा बुढ़ा जी ना तो उत्थे कोई मशीन है चुप करने वास्ते, ना ग्राइंडर रखे ने। उन्होंने कहते कि जेडे पुराने टाइम में जमें बनते हैं ना प्याज के पराठे, उवें ही बनेंगे प्याज के पराठे, यानी कि हाथ ना चाकू ना कट्टे जाता है प्याज सारा, जिन्ना भी तुम मतलब कि प्रशादा बना है तो उस हिसाब न सेवादार जोड़े मदद करा देंगे ने आके। तो मैं भी सारे जिहड़े जो मैं बाबा बुढ़ा जी दे गई हाँ ना, तो अरदास ला के अरदास अपने सुखना पूरी करी ही मैं, तो प्रशादे बनाए से ना मैं हाथ ना जी सारे प्याज कट्टे सी, तो संगत जी है बिचो मदद कर देंदी। हुण सारे जिहड़ा आटा ने मैं अच्छी तरह गुन लिया, तो हुण जिहड़ा आटा गुज के बिल्कुल तैयार है। हुण मैं पराठे बनावांगी। इत्थे आटा गुंदे हुए ना एक वाहेगुरु मंत्र का जाप जरूर कर लिया करो। वाहेगुरु मंत्र का जाप करने नाल की हुंदा जी जिहड़ी रोटी खाने वाले की इंटेंशन हुंदी ना चेंज हो जाती है। तो हुण इत्थे मैं आटे का पराठा बनावांगी। तो हुण मैं लगता मैं राइस ब्रैन ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि देसी घ्यो तो गर्मियों टॉलरेट नहीं हुंदा है, ना खादा जाता तो नवा ही खवाया जाता है, तो इस करके मैं इतने राइस ब्रैन यूज ऑयल का यूज़ करती। ये डाइजेशन सिस्टम बहुत वधिया रखता है, तो ये राइस ब्रैन के पराठे भी तुसी रात में भी खा सकते हो और पकौड़े भी खा सकते हो, बहुत वधिया ऑयल है ये। तो हुण मैं चार कोने वाले पराठा बनाया। हुण मैं वेल रही हूँ, देखो कि सोहना मेरे प्याज कितने धनिया कि सोहना नजर आ रहा है। तो जो ये धनिया है सुखा धनिया जो आप पाया ना वो जो मूँह चाहता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम जो दूसरा पेड़ा भी मैं बना लिया, दूसरा जिन्हें चेर एक परांठा सिकता है उन्हें चेर दूसरा पेड़ा भी अपना बना के तैयार कर लिया। हम जो इन्हें भी गोल गोल कर रही हूँ, तो हम ये भी जो ऑयल लगा लेंगी। सेम इस तरीके का पराठा बना के दूसरा भी तैयार कर लेंगे। हुण ये भी मैं जो चार कोने वाला पराठा बना रही हूँ, हुण दूसरा पराठा भी एवें बना के चौरस पराठा ही बनावांगी मैं। तो जो पहला पराठा पाया से वो एक पासा सिक चुके है, हुण मैं पासा पलटता है। हुण ये पराठा भी आप वेल लेंगे, तो इनू मैं गोल गोल घुमा रही हूँ ताकि जो पोला हो जाए।
तो हुण मैं इहनूं वेल रही हां। हुण जिहड़ा दूसरा पराठा मैं बना के मैं तैयार कर लाँगी, तो जिहड़ा पहला वाला पराठा जी एक साइड तो सिक चुक है। हुण जिहड़ा वेजिटेबल ऑयल लगा लाँगे, हुण जिहड़ा पासा पलट दाँगे सिकण वास्ते। हुण जिहड़े आ जिहड़े मिक्स पराठे ने ना, ये फुल्लणगे नहीं क्योंकि जिहड़ा आपां इहदे विच बेसन दा यूज़ कीता होया, तो ये जिहड़ा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा पराठा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है पराठा। देखो दो पैसे लग गए ना ऑयल तो बढ़िया तरह सिक गया। हुण जिहड़ा एवें ही अपना दूसरा पराठा भी सेक लाँगे। ये जो पराठे ना बच्चों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते, संडे वाले दिन या फिर जिस दिन छुट्टी वाला दिन हो ना उस दिन जरूर बना के दिया करो। एक तो इन्हें ना प्यास भी ज़्यादा लगेगी, पानी भी बच्चे पीणगे और उन्होंने वधिया भी बहुत वधिया लगनगे पराठे। जड़े मेरे बच्चे तो बड़े शौक न खाते ने पराठे। हुण जिहड़े दूसरे वाला पराठा भी जिहड़ा मेरा बिल्कुल सिक के बिल्कुल रेडी है खाण वास्ते। हुण बच्चे वेट करते पे ने, स्वेर सिर का टाइम तो बच्चे वेट करते पे ने खाने की। तो हुण इधरों मैं दही भी पा लिया सी प्लेट च पहले, हुण देखो मिक्स कर देने। चंगी है बोल बोल दे बोल। ये पप्पू कहेगा तो मैं क्या कहूंगा, सारा दिन मैं क्या कहूं। चल बोल दे बोल दे बोल दे फटाफट। मेरा दिन क्या काटा डॉटो। बोल दे बोल दे बोल दे। अच्छा बोल दे, अच्छा बोल दे बोल। अगर वीडियो पसंद आई करो, शेयर, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।